गाइस, आज की वीडियो में फ्रंट एंड डेवलपमेंट की फुल कोर्स की हम जानने वाले हैं HTML टेबल्स। तो चले जानते हैं HTML टेबल्स हॉस्टल में होते क्या हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देंगे, तो आपका रहता रहता नहीं हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जानते हैं HTML टेबल्स हॉस्टल में होते क्या है। So let's move to the computer screen and let's do a coding with laughing. So guys, आज की front end development की full course की video में हम जानने वाले हैं कि HTML tables असल में होते क्या हैं। तो चलिए जानते हैं, HTML tables की पूरी डिटेल की एक सीरीज चलने वाली है, तो get ready for that। तो चलिए जानते हैं कि HTML tables होते क्या हैं। HTML टेबल्स अलाउ करते हैं वेब डेवलपर्स को, जिससे वो अरेंज करें अपने डेटा को भी रोज और कॉलम्स में। ओके, डिफाइन एन HTML डेटा HTML टेबल 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 वो भी HTML कंसिस्ट में टेबल सेल्स करता है, वो भी अंदर रोज और कॉलम्स की। फॉर एग्जाम्पल सिंपल HTML टेबल, यहाँ पे एक सिंपल HTML टेबल डिफाइन की गई है। यहाँ पे अगर मैं इस टेबल को कॉपी करूं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूं और मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊं और मैं यहाँ पे एक फाइल में मैंने बनाई हुई है, इधर मैं आके इसको सबसे पहले इरेज करता हूँ इस चीज को, अब पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं सेव करूंगा, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब मेरे यहाँ अंदर HTML की फाइल खोलूंगा। तो यहाँ पे एक तरीके की ग्रो बन गई, जैसे कि कंपनी, यहाँ पे कंपनी के नेम, कंट्री के नेम और कॉन्टेक्ट नेम। अगर आप यहाँ पे जाके टी आर टी एच और यहाँ पे टी डी, कुछ इस तरीके के आपके टेब बनती हैं टेबल्स, मतलब टेबल का पहले टैग डिफाइन किया जाता है, फिर टी आर टी एच, फिर टी आर, फिर टी डी, फिर टी डी और फिर टेबल आखिर में। अगर यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्टेक्ट सॉरी कंपनी, और यहाँ पे मैं एक, मुझे एक और टेबल बनानी है, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ईमेल्स, और मैं जब ये बना दूंगा ना, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा टी आर। अगर आपको नई टेबल बनानी है तो कुछ तरीके बनेगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टी डी। इसके अंदर सबसे मैं पहले लिखूंगा कोड वेड रेन 1235@gmail.com। फिर यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगा, इसका मैं नाम दूंगा कोड, मैं इसका नाम दूंगा जैसे कि कोड, यहाँ पे एक और दे देते हैं, इसका नाम मैं दूंगा कोड प्रोग्रामिंग विद 1243@gmail.com। यहाँ पे मैं एक और ईमेल दूंगा जिसका नाम होगा लैंग्वेज पीके, सॉरी यहाँ पे मैं लिखा हूँ लैंग्वेज कॉम @gmail.com। अगर मैं अब इसको सेव करूंगा और अब मैं इसको रन करूंगा, तो ये आप देख सकते हो कैसे कि इसने मुझे ईमेल्स का दे दिया, उसने मेरी एक ईमेल्स की रो बना दी, आप ये देख सकते हो। अगर यहाँ देख सकते हो, अगर आपको इस तरीके को अलाइन करना है तो आप CSS के मदद से कर सकते हो, लेकिन अभी हम सिर्फ HTML के ऊपर है। तो टेबल सेल्स, ईच टेबल सेल डिफाइन करता है वो भी टी डी या फिर टी और एंड टी डी टैग। टी डी, टी डी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो लोगों के सवाल ये पूछेंगे, टी डी का मतलब क्या है? टी डी स्टैंड करता है वो भी टेबल डाटा के लिए। क्या मतलब? टेबल डाटा मतलब टी डी स्टैंड का मतलब है, टी डी का फुल फॉर्मेट टेबल डाटा। क्या है? टेबल डाटा। यहाँ पे मैं नोट पैड पर जाके लिख देता हूँ कि टी डी फुल फॉर्म इज टेबल डाटा। जितनी भी चीजें टीडी के बीच में ये कंटेंट है टेबल सेल की। क्या है कंटेंट? टेबल सेल की। जैसे कि यहां पे हमने टीडी के अंदर चीजें लिखी हुई है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये क्या है, ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये है एक कंटेंट, वो भी टेबल सेल की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये देख सकते हो, हमने कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, तो ये एक कंटेंट है टेबल सेल की। जो भी चीजें टीडी के अंदर लिखी हुई होंगी वो कहलाएंगे टेबल सेल। सो नोट दैट, आपने एक चीज नोट करनी है, क्या करना है मैं बताता हूँ।
आपने नोट करने जो आपका टेबल सेलर कंटेन करता है सारे शॉर्ट्स ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, लिंक्स और बाकी के अदर टेबल्स और या फिर ETC. टेबल रोस जितने भी टेबल रोस है ना, रो है वो स्टार्ट करते हैं वो भी TR और एंड करते हैं वो भी विद TR टैग. ओके, TR स्टैंड करता है, TR का क्या मतलब है लोगों का ये भी सवाल उठेगा. TR का मतलब है टेबल रो. क्या है TR का मतलब? टेबल रो. जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे हमने TR के अंदर क्या क्या, हमने TR के अंदर TD डिफाइन किया, बट TD के अंदर अपने चीजें जो लिखी हैं वो मैंने लिखी है. आप ये देख सकते हो आपके पास many rows. आप इस तरीके की बहुत से रोज हो सकती हैं आपके पास, एज यू जैसी आप लाइक करो अपने टेबल के अंदर. जस्ट हमने मेक श्योर करना है कि डेट जो आपका नंबर ऑफ अ सेल्स है ना ये सेम है, वो भी ईच रो में. सही है, आपने नोट करनी है यहाँ पे देयर आर टाइम्स जब आपका रो उसके बाद लेस कम होती है या फिर ज्यादा सेल्स होती है उस दूसरे के मुकाबले से. आप लर्न करोगे अबाउट वो भी बाद के चैप्टर्स में. टेबल हेडर्स, समटाइम्स आपको वो आपको चाहिए कि आपको सेल्स टू बी टेबल हेडर सेल्स, इन केसेस में आपने यूज करना है TH टैग इंस्टेंट ऑफ द TD टैग. ओके, अब TH का फुल फॉर्म क्या है? TH का फुल फॉर्म है टेबल हेडर. क्या टेबल हेडर? फॉर एग्जाम्पल चले आप फर्स्ट रो है वो भी टेबल हेडर सेल्स की. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक फर्स्ट रो है, तो जैसे कि आप देख सकते हो पहली फर्स्ट रो है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट रो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय द डिफॉल्ट टैग जो आपका अंदर है TH एलिमेंट का बोल्ड है और सेंटर है, बट आप यू कैन चेंज दैट विद CSS. आप इसको चेंज कर सकते हो CSS के साथ में. अगर मैं इसको कॉपी करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाके फाइल बनाता हूँ अपने, ये मैंने पहले से ही बनाई हुई है यहाँ पे, अगर मैं अपनी इस फाइल को यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से मैं पेस्ट करूँ और मैं यहाँ पे आके इसको सेव करूँ और यहाँ पे इसको मैं रन करूँ, तो यहाँ पे आप देखो इसने हमें क्या दिया, पर्सन वन, ईमेल, टॉबियस, लिनस. तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाऊं और मैं इसको इरेज कर देता हूं और मैं इसको जैसे ही इरेज कर दूंगा सेव करूंगा रन करूंगा, अब उसने मुझे कैसे दिया है? अब मैं यहाँ पे जब जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ TH जो हमारा पर्सन फोर है, TH पर्सन फाइव, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ पेस्ट, सॉरी यहाँ पे अब हम इसको मैं पेस्ट 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 पेस्ट, अब इतना काफी है. अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं अब 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ 16 और फिर यहाँ पे लिखता हूँ 17 और यहाँ पे अब लिखता हूँ 18 और यहाँ पे लिखता हूँ 19. और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कितने हैं हमारे, 19 ना, और यहाँ पे 3 हुए हुए, तो अब यहाँ पे जब 3 हुए हुए तो 3 के अंदर अब मैं सबके नाम लिखूंगा कि जैसे कि मैंने पहले का नाम लिखा रयान, और यहाँ पे अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 4 हो गया, और यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जाएंगे TD लिखेंगे, यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, सॉरी 8 की जगह 80 लिख देंगे, और यहाँ पे अब कितना हो गया, 4 हो गया ना. अब यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. अब मैं सेव करूंगा और अब रिफ्रेश करूंगा, तो अब यहाँ पे आप देखो इसने मुझे पर्सन वन, ईमेल, यहाँ पे सारे पर्सन के नाम दे दिए, तो ये आप देख सकते हो 19 तक. अगर अगर आपने इसको स्टाइल भी करना है ना,
तो आप CSS के तौर पे कर सकते हो, लेकिन अभी हम अपनी HTML तक ही हैं, तो अभी HTML तक ही रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, अब इसने हमें सारे जितने भी हैं सब कुछ एक लिस्ट बना दी। तो ये आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप कर भी सकते हो आसानी से। तो ये देख सकते हैं हमने आज की वीडियो में जाना है कि HTML टेबल्स असल में होते क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली का वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑफ पे कर देगा। तो आपका टाइम प्लेन देनी है तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो फॉर टुडे गुड बाय।